बस में कई बार लोगों के जेब कट जाते हैं, चोरी हो जाती है, उनका मोबाइल चोरी हो जाता है तो कभी कभार पर्स भी चोरी हो जाता है। और चोरी करने वाला ज्यादातर चोर पुरुष होता है, लेकिन अब जो घटना हमारे पास आई है उसमें ये चोर कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला चोर है, जो कि आसानी से बस में बैठे यात्रियों की सामान चोरी कर लेती है। सोलापुर पुलिस ने बस में सवार यात्रियों के बैग आसानी से काटने वाली इस महिला के हाथ में अब हथकड़ी लगा दी है। पुलिस ने आखिरकार इस महिला को गिरफ्तार कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी, जिसने बस में सवार यात्रियों के बैग आसानी से काट दिए और उसके गहने और पैसे चुरा लिए। आपको बता दें कि इस महिला आरोपी का नाम आयशा यूसुफ शेख है। महिला घूंघट पहनकर बस में सवार यात्रियों की भीड़ में चली जाती और फिर चोरी कर मौके से फरार हो जाती। उसके पास से 8.5 तोला सोना और 6,000 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। आगे की जांच फौजदार चावरी पुलिस अभी भी कर रही है, लेकिन ये घूंघट वाली चोर महिला फिलहाल सलाखों के पीछे है। दिनांक 21/10/2022 रोजी यातील फिर्यादी अश्विनी गोपाळ पाटील वय 34 वर्ष या दिवाळी निमित्त त्यांच्या सासरवडून माहेरजला जाण्यासाठी एसटी स्टँडवरून जात असताना बसमध्ये चढताना गर्दीचा फायदा घेऊन त्यातील अटक महिला आरोपी याने गर्दीचा फायदा घेऊन त्या पर्समधील चेन खोलून त्यातील 8.5 तोळे सोने आणि 6,000 रुपये कॅश चोरी केले होते। ब्युरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।